अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा 10th क्लास फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो डियर फ्रेंड्स, अगर इंशाल्लाह आपने ये चीज़ें तैयार की तो इंशाल्लाह आपके 12x12 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के आएंगे। और यहाँ से तकरीबन जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ होते हैं उस 8 से 9 एमसीक्यूज़ आपके एक्सरसाइज वाले आ जाते हैं, तो इसलिए आपने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ सबसे पहले आपने कर लेने। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा और क्या उस चीज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बोर्ड का पेपर भी दिखा देता हूँ एमसीक्यूज़ वाला। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला एमसीक्यूज़ है, कौन सा मल प्रोसेसिंग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट प्रोसेसिंग। तो ये भी क्या आ गया है, ये भी बुक में से ही आया है। उसके बाद किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, ये भी बुक में से आया है। एक आम आदमी काबिल समाज साउंड फ्रिक्वेंसी क्या है, ये भी बुक में से आया है। ये दरमियान से बन गया है, कैमरा में जो इमेज बनती है होती है, तो ये भी बुक में से बना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये भी बुक में से बना है। मतलब मोस्टली जो है वो बुक में से बनता है। इलेक्ट्रिक पावर बराबर होता है, ये जो फार्मूला है ये अब दरमियान से बुक में से चैप्टर में से उठा लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह ज़्यादातर जो है वो आपके बुक में से ही बनते हैं। आप पहले आप उन्हीं को तैयार कीजिए। तो सबसे पहले जी चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज कर लेते हैं। चैप्टर 1 में कहता है जी, पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये कौन सी एग्जाम्पल है जी, सिंपल, इसका ए ऑप्शन ठीक है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की जो हरकत है वो वाला। और दूसरे में कहता है, इफ द मैस ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज, कि अगर हम मैस को इंक्रीज कर दें द टाइम पीरियड विल बी, मतलब उस पर टाइम पीरियड भी क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, फार्मूला आपके पास होता है इस तरह, 2π L/g, एल ओवर, और ये चीज़ भी आपने एम सी क्यूज़ के लिए याद रख लें, 2π L/g। तो यहाँ पे मैथ का कोई जिक्र ही नहीं है, इस पर इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब रिमेन सेम होगा, कोई फ़र्क हो नहीं पड़ेगा। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इससे। उसके बाद ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इस डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बार ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मतलब वो कौन सी डिवाइस है जिसकी मदद से हम दोनों को वेव्स को पैदा कर सकते हैं। हेलिकल स्प्रिंग्स यानी कि सिलनकी की जो है उसको मदद से हम दोनों पैदा कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है। चौथे एमसीक्यूज में कहता है कि वेव ट्रांसफर, मतलब वेव चीज़ क्या ट्रांसफर करती है, वेव में क्या ट्रांसफर करती है जी, वेव ट्रांसफर करती है जी एनर्जी एंड सॉरी एनर्जी ट्रांसफर करती है, फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी ये ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन क्या चीज़ ट्रांसफर करती है जी, एनर्जी ट्रांसफर करती है। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मतलब ये एनर्जी ट्रांसफर का कौन सा मैथड है। तो कंडक्शन भी है, रेडिएशन भी है, वेव मोशन भी है, तो मतलब ऑल ऑफ दीज होगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है और इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, छठे का चौथे का सॉरी पांचवे का डी ऑप्शन है। इन द वैक्यूम ऑल मैग्नेटिक वेव हैव द सेम, यहाँ पे सेम क्या होगा जी, छठे का ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा जी, स्पीड सेम होगी। ठीक है, सबकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट फ्रिक्वेंसी, अब ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है, उसके बाद लैम्डा भी डिस्टेंस भी दी हुआ है, तो वेलोसिटी क्या होगी जी, वेलोसिटी इसकी होगी जी 60 cm², ये आपने ऑप्शन दुरुस्त लगा लेना, बी ऑप्शन इसका सेंटीमीटर पर स्क्वायर या पर सेकेंड। उसके बाद आठवें एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, मतलब ये कौन सी करेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो इसमें क्या है जी, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड आपका दुरुस्त ऑप्शन है। द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ वेव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसको लाजमी करना है, और ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, वी इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, ये एक फार्मूला है। तो ये डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज हो गए, यानी कि चैप्टर नंबर 10 के। अब चलते हैं जी चैप्टर नंबर 11 की तरफ, उसके जो एमसीक्यूज हैं वो करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अभी चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज आ गए। पहले में कहता है जी, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल है। तो साउंड वेव इसका करेक्ट ऑप्शन है, साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जाम्पल है। दूसरे में कहता है कि हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर, किस तरह मतलब ट्रेवल करता है। तो इसका भी ए करेक्ट ऑप्शन है, बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, विच इज फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, मतलब कौन सी साउंड की एनर्जी है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो ये मैकेनिकल एनर्जी इसकी क्या है, साउंड की एनर्जी है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अल्ट्रा, वो कहते हैं अल्ट्रासाउंड्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स, बिकॉज के उनको मतलब कम्युनिकेट के लिए रेडियो लिंक्स जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है जी। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन बनेगा जी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्टली क्लोज रिलेटेड टू,
कि साउंड की जो लाउडनेस है वो किससे रिलेटेड होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वेवलेंथ से रिलेटेड होती है, ठीक हो गया। और अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, मोस्टली पूछा जाता है, फॉर अ नॉर्मल पर्सन आइडियलिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फ्रिक्वेंसी रेंज साउंड वेव लाइज बिटवीन, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जी इसका सातवां एमसीक्यूज है, व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज इंक्रीज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज, मतलब कौन सी चीज डिक्रीज होगी, वेव लेंथ, पीरियड, एम्पलीट्यूड। तो अब इसका जो ए ऑप्शन है उसमें कहता है आई ओनली, बी में कहता है थ्री ओनली मतलब एम्पलीट्यूड, और सी में कहता है वन और टू ओनली मतलब यानी कि वेव लेंथ और टाइम पीरियड, तो यही हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, वेव लेंथ एंड पीरियड। ये डी स्टूडेंट्स हो गए चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज, तो अभी हम कर लेते हैं जी चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 12 में के एमसीक्यूज में क्या कहता है जी, तो चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज में चले जाएं। जी डी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गए चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज। अब इसमें पहला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटी नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रेक्शन ऑफ साउंड्स, कौन सी चीज मतलब चेंज नहीं होती, तो सी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इट्स फ्रिक्वेंसी, ठीक हो गया। उसके बाद ये दूसरे में कहता है कन्वर्जिंग मिरर विद रेडियस उसका 20 सेंटीमीटर क्रिएट्स रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, उसका ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस इसका हो जाए जी 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर। उसके बाद जी है जी एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्रिएचर, तो एमेज जो है वो प्रोड्यूस बाई मिरर इज लोकेटेड होगा, ये भी एट द सेंटर ऑफ क्रिएचर होगा, बी ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद कहते हैं ए ऑब्जेक्ट चौथे एमसीक्यूज में 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर और एमेज इज बिहाइंड मतलब 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी जी, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 4.1 माइनस 4.1 सेंटीमीटर, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जी फाइव है, फाइव में क्या कहता है जी द इंडेक्स ऑफ द रिफ्रेक्शन डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट, किस तरह स्पीड ऑफ लाइट पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और छठे का विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस, तो इसका जी कौन सा होगा जी, इसका जी डी ऑप्शन करेक्ट होगा छठे का, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है अपराइट एंड विर्चुअल, अपराइट एंड विर्चुअल इसका करेक्ट ऑप्शन है। सातवें का है विच ऑफ द फॉलोइंग ना विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ इट्स व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो इसका जी बी ऑप्शन आई थिंक जी बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि रियल इन्वर्टेड एंड डायमिनिश्ड डायमिनिश्ड, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। उसके बाद इमेज फॉर्म बाय कैमरा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये मोस्टली पूछा जाता है कि कैमरा से कौन सी इमेज बनती है, तो जी इसका भी एमसीक्यूज कौन सा है जी, बी ऑप्शन ठीक है वर्चुअल अपराइट एंड डायमिनिश्ड, वर्चुअल वर्चुअल अपराइट एंड डायमिनिश्ड। तो अब इसका जी नौवां एमसीक्यूज है, नौवां एमसीक्यूज में क्या कहता है, नौवां एमसीक्यूज में जाके देखिए जी इफ द रे ऑफ द लाइट इन ग्लास इंसिडेंट ऑन द एयर सरफेस एट एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल द रे विल बी रिफ्लेक्ट ओनली इसका करेक्ट ऑप्शन है जी, बी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जी दसवें एमसीक्यूज है द क्रिटिकल एंगल ऑफ द बीम लाइट क्या होगा फॉर्म वाटर एयर इनटू डिग्री कुछ का बताया गया, पूछता क्या है कि इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, उस वक्त क्या होगा ऑब्जर्व होगा टोटली रिफ्रेक्टेड होगा जी, तो टोटली रिफ्रेक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन लगा लें। तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज, उसके बाद हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज पे, चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गए चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज। अब वो कहता है पहला एमसीक्यूज है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या करता है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है जी रिपेल द अदर पॉजिटिव चार्ज, को पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है रिपेल ही करता है, तो उसको रिपेल करेगा। अब दूसरे में क्या कहता है जी ऑब्जेक्ट गेन एक्सेस नेगेटिव चार्ज आफ्टर बीइंग रब अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब विच इज पहले अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज गेन करता है तो यहाँ पे क्या होगा सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, को पहले क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज करेगा, सी इसका क्या है जी करेक्ट ऑप्शन होगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद जी दूसरा तीसरा एमसीक्यूज है टू अनचेंज ऑब्जेक्टिव ए एंड बी रब अगेंस्ट
ईच अदर व्हेन ऑब्जेक्ट बी इज प्लेस नियर द नेगेटिव चार्ज, तो उस वक्त क्या होगा जी। सी अब पूरा तो मैं नहीं पढ़ रहा इसके स्टेटमेंट को, इसका जी करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ जी। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा जी दी बिकम पॉजिटिव चार्ज, बिकम पॉजिटिव चार्ज बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और उसके बाद जी चौथे का है व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रोड, ये बड़ा सा एमसीक्यूज है, मैं भी इसको पढ़ना चाह नहीं हूँ पूरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो करेक्ट ऑप्शन इसका बनेगा जी चौथे का जी करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा बनता है जी द रोड एंड पेपर आर अपोजिटली चार्ज, इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ व्हाट हैपन टू अट्रैक्शन ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज देयर डिस्टेंस और सेपरेशन इंक्रीज, तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा बी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है पांचवें का। द कूलम इज वैलिड फॉर चार्जेस विच आर, मतलब कूलम लॉ किन के लिए वैलिड है, कित कित ला कर सकते हैं, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, ठीक है जो साकिन चार्जेस उनके लिए है। फिर वो कहते हैं जी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब अगर हम मूव कर लें तो फिर जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन होगी वो क्या होगी 16 टाइम लार्जर देन बिफोर, ठीक है 16 टाइम क्या होगी लार्जर देन होगी। उसके बाद जी आठवें एक्सक्यूज है कि 5 जॉल ऑफ वर्क इज नीडेड टू शिफ्ट 10 जॉल 10 कूलम फ्रॉम चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जी 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट ए इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन है। टू स्मॉल चार्ज फिर आर सेपरेट बाई 2 मिलीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रोड्यूस्ड, तो कौन सा प्रोड्यूस करेगा जी 2+Q और 2-Q, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप लाजमी कीजिएगा। तो उसके बाद 10वां एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है बी इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन है नेवर क्रॉस ईच अदर। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं जी, तो ये इसका क्या होगा जी बी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन क्यू ओवर वी, क्यू ओवर वी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गया चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज, उसके बाद देख लीजिए अब चैप्टर नंबर 13 जी डियर स्टूडेंट्स। तो अब इस पे यहाँ पे एमसीक्यूज पे आ गए हैं जी, क्या कहता है जी एन इलेक्ट्रिक करंट इज कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ क्या होता है, किसके फ्लो की वजह से होता है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो ये 14 का जो पहला क्वेश्चन है पहले एमसीक्यूज में, तो उसका ऑप्शन क्या है डी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। कहते हैं व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द अब 6 ओम जो है रजिस्टर है व्हेन ए 3 एम्पेयर करंट पास हो रहा हो, तो उस वक्त कितनी है जी उसकी वोल्टेज कितनी है जी, उस वक्त इसका वोल्टेज होगी जो मल्टीप्लाई सिंपल कर लोगे तो 18 वोल्ट, ठीक है 18 वोल्ट इसकी क्या होगी वोल्टेज होगी। तो तीसरा भी देख लेते हैं जी, तीसरा का क्या बनता है व्हाट हैपन टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज इन मोर एंड मोर लैम्प्स आर एडेड, तो इसका जी ऑप्शन क्या होगा जी रिमेन सेम, सी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अब उसके बाद चौथे ऑप्शन में क्या कहता है जी व्हाई शुड हाउस होल्ड अप्लाइज बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्टेज सोर्सेज, तो इसकी जी वजह है जी सी ऑप्शन टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। तो डी स्टूडेंट्स करना क्या है आपने इनको सही से कहा लेना है, मैं तो थोड़ा थक गया हूँ लगातार पढ़ पढ़ के, तो आपने सही से इनकी फोकस करना है, ठीक है आई होप कि आप इनको करोगे और फुल बाय फुल मार्क इसके हासिल करोगे। अच्छा जी उसके बाद डी स्टूडेंट्स आपके पास पांचवा ऑप्शन है, पांचवें में क्या कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF क्या होगा एट द सेम टर्म हैव डिफरेंट यूनिट डिफरेंट टर्म, ठीक है ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन है डिफरेंट टर्म होगा बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब छठे ऑप्शन में क्या कहता है जी व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन सिंपल करंट वी डबल इट करंट पावर, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इसका क्या है जी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्या करता है इफ वी डबल द करंट एंड वोल्टेज इन द सर्किट वेल कीपिंग इट्स रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट द पावर, मतलब उस वक्त पावर आपकी क्या होगी, तो पावर उस वक्त जी होगी आपके पास जी पावर क्या होगी पावर हो क्वाड्रेट ट्रिपल, ठीक है डी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन डबल नहीं होगा यानी कि क्वाड्रेट ट्रिपल होगी हाफ भी नहीं होगी, तो क्वाड्रेट ट्रिपल इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है क्वाड्रेट ट्रिपल इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ लैम्प कनेक्टेड 12 वोल्ट की सोर्स के साथ व्हेन इट्स कैरीज 2.5 एम्पीयर करंट, तो जी इसका करेक्ट ऑप्शन अभी है 30 वोल्ट, ठीक है इसको मल्टीप्लाई सिंपल कर लेना है 30 वोल्ट 30 वाट।
उसके बाद 9 एम्स क्यूज है जी। 9 एम्स क्यू कहता है द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज 8 ओम के साथ देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस एग्रीमेंट विल बी 2 ओम ही होगी। ठीक है, ए इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये डियर फ्रेंड्स आपके पास हो गए जी चैप्टर नंबर 14 के एम्स क्यूज। तो अभी हम देख लेते हैं जी चैप्टर नंबर 15 जो है उसके एम्स क्यूज देख लेते हैं जी, उसमें क्या कहता है जी। तो हमारे पास 15 के एम्स क्यूज आ गए हैं जी। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, इसकी कौन स्टेटमेंट ठीक होगी, तो इसकी जी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इन साइड द बार मैग्नेट, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी इन साइड द बार मैग्नेट। तो जी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, जी इसका क्या है, बी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। फिर वो कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाई, हम किस किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास की मदद से, किसी मैग्नेटिक कंपास की मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसका जी चौथा एक्सक्यूज है, इफ द करंट इन वायर विच प्लेस इन परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर होगा तो फिर इसका क्या होगा जी, टू मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज द वायर, तो उस वक्त इसका क्या होगा, वायर ऑन द फोर्स क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। उसके बाद 5 एमसीक्यूज है कि एडीबी मोटर कन्वर्ट, जो एडीबी मोटर होती है वो कन्वर्ट क्या करती है, उस किस चीज़ को कन्वर्ट करती है, तो ये करती है जी इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद जी 6 एमसीक्यूज है जी, 6 एमसीक्यूज में क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल, तो कौन सी चीज़ करती है जी हाफ साइकिल के बाद जी, कम्यूटेटर। ठीक है, तो कम्यूटेटर इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, छठे का कम्यूटेटर। उसके बाद जी 7वां एमसीक्यूज है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ करंट इज अकॉर्डिंग विद द कंसीडरेशन ऑफ मास चार्ज मोमेंटम एनर्जी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जी एनर्जी, एनर्जी का क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है। और उसके बाद कहते हैं द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की क्या होगी जी, इंक्रीज इनपुट हैज लेस टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, हैज लेस टर्न, तो डी इसका क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जी क्या है जी, द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर टेन इट्स मीन, तो उसके बाद क्या होगी जी, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, एन एस इज इक्वल टू 10 NP, एन एस इज इक्वल टू 10 NP। तो अब उसके बाद जी स्टूडेंट्स देख लेते हैं चैप्टर नंबर 16 के। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज थे बुक वाले, तभी आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज के जी। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज आ गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला कौन सा आप हुआ, तो कहता है द प्रोसेस बाय इलेक्ट्रॉन एमिटेड ऑन हो हॉट मेटल सरफेस नाउन एज, तो ये हमारे पास डिफिनेशन होती है थर्मोनिक इमिशन की। ठीक है, थर्मोनिक इमिशन इसका डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जी इसमें देखते हैं द पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम हॉट कैथोड सर्फेस एज, तो कैथोड के सर्फेस जो है वो तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो डी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद जी कहता है जी तीसरे में द लॉजिकल ऑपरेशन फॉर्म बाय दिस गेट, ये कौन सा गेट होता है, नैंड गेट होता है, सी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा जी। तो उसके बाद कहता है एंड गेट कैन बी ट्रांस बाय यूजिंग क्या होगा, टू नैंड गेट। ठीक है, डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जी पांचवा क्या ऑप्शन क्या है जी, पांचवें क्या कहता है द आउटपुट ऑफ द टू इनपुट्स नॉर गेट इज वन, वो कब होगी नॉर गेट की, जब बात ए एंड बी आ क्या होगी, जीरो होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है, ये लाजमी कीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है छठे एमसीक्यूज में, छठे एमसीक्यूज में कहता है जी इफ द एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी देन एक्स इज वन व्हेन, मतलब एक्स कब वन होगा, एक्स वन उस वक्त होगा जब ए एंड बी आर क्या होगा, वन होगा, मतलब दोनों क्या होंगे, वन होंगे। उसके बाद सातवां एमसीक्यूज क्या कहता है जी द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज जीरो व्हेन, नैंड गेट की जीरो कब होगी, नैंड की जीरो उस वक्त होगी जी बात ऑफ द इनपुट्स आर क्या होगी, वन होगी। तो यानी कि बी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज हो गए। तो अभी हम देख लेते हैं जी चैप्टर नंबर जो हमारे पास 17 है उसके क्या कर लेते हैं, उसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया चैप्टर नंबर 17 के एमसीक्यूज अभी आ गए हैं जी। तो वो कहते हैं द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इन्फॉर्मेशन मीन एनी डेटा, रॉ डेटा, लेयर डेटा, तो प्रोसेस डेटा, सी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उसके बाद कहता है जी दूसरे में विच इज़ द मोस्ट सूटेबल मीन्स ऑफ रिलायबल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्बिटल स्ट्राइक एंड हब, तो कौन सी होगी जी, माइक्रोवेव, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, माइक्रोवेव, तो यानी कि ए ऑप्शन।
वो कहते हैं बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाई कंप्यूटर। बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर कौन सा परफॉर्म करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, तो दोनों करता है जी, ए एंड सी दोनों, ठीक है, बॉथ ए एंड बी एस सी, बॉथ ए एंड सी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है, एक्सक्यूज है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज क्या होगा? ब्रेन जो होता है किसी भी कंप्यूटर का, वो क्या होता है? वो आपका होता है सीपीयू होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आई थिंक, तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद कहता है जी पांचवे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग कौन सा कौन नहीं है, ठीक है, अरेंजिंग होता है, मिनी प्लॉटिंग होगा, कैलकुलेटिंग होगा, कैलकुलेटिंग होगा जी, उसके बाद गैदरिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, कैलकुलेटिंग, यानी कि हिसाब किताब का। तो अब उसके बाद जी डियर स्टूडेंट्स छठे के एमसीक्यूज देख लेते हैं। छठे के एमसीक्यूज में कहता है फ्रॉम विच फॉलोइंग वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन, तो किसके जरिए हम कर सकते हैं जी अबाउट एनी थिंग, तो इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है लास्ट वाला। वट डज द टर्म ई मेल स्टैंड फॉर, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका क्या होगा जी, करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर चैप्टर नंबर 17 के एमसीक्यूज, तो उसके बाद देख लेते हैं जी हम चैप्टर नंबर जो हमारे जी, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 18 में आ गया। पहला एमसीक्यूज क्या है, एटॉम्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंस, दो एटॉमिक नंबर तो सेम होता है जी, उनका न्यू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इसका क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो ए इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। कहते हैं वन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 92 at 238, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, प्लस प्रोटॉन जो होता है मैस नंबर, तो 146 इसको क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला, इसको अब लाजमी करके जाइएगा। अब उसके बाद कहता है विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी, तो गामा रेज की, ठीक है, गामा पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब चौथे एमसीक्यूज में क्या कहता है जी, चौथे एमसीक्यूज में कहता है व्हाट हैपन एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स विच एमिट्स अल्फा पार्टिकल, तो डिक्रीज बाय टू, ठीक है, डिक्रीज क्या हो जाता है, टू से डिक्रीज हो जाता है, अगर अल्फा पार्टिकल वहां से रिमूव हो जाए तो एमिट्स हो जाए, तो उसके बाद जी हमारे पास आ जाएगा जी डिक्रीज। पांचवें एमसीक्यू, द हाफ लाइफ ऑफ सर्टन आइसोटोप्स वन डे, व्हाट विल द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द टू डेज, तो दो दिन के बाद वो क्या हो जाएगी, मतलब एक की अगर एक दिन में टू उसकी जो है आधी रह जाएगी, तो दो दिन के बाद उसकी क्या हो जाएगी, वन क्वार्टर रह जाएगी, यानी कि वो 1/4 रह जाएगी। उसके बाद कहता है बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, व्हेन यूरेनियम मतलब 92 होगा इजेक्ट बीटा पार्टिकल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, एक इजाफा हो जाता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा जी, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा जी छठे का करेक्ट ऑप्शन होगा, छठे का ऑप्शन करेक्ट होगा जी, यहाँ पे 93 बनता है मेरे ख्याल में, ज़्यादा मुझे चांस लगता है 93 की, आप बुक से देख भी लीजिएगा, क्योंकि एक एटॉमिक नंबर में आई थिंक इजाफा हो जाता है ना, तो 93 इसका आप करेक्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद कहता है जी रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सन ड्यू टू बर्निंग ऑफ गैसेस, ठीक है, तो सी इसका क्या होगा जी, करेक्ट ऑप्शन होगा, सी नहीं आई थिंक न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप भी सही से देख लीजिएगा इसको। कहते हैं वेन हैवी न्यूक्लियस स्पैट इन टू लाइटर न्यूक्लियस द प्रोसेस वुड बी, मतलब टू प्रोसेस लाइटर न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होगी जी, न्यूक्लियर एनर्जी उसका क्या होगी, रिलीज होगी, यानी कि ए इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आठवें का। द रीजन कार्बन डेटिंग वर्क इज एट, कार्बन डेटिंग किसकी वजह से वर्क करता है, वो कहता है जी आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल डाइज एट स्टॉप टेकिंग फ्रेश कार्बन 14, तो ये बी इसका क्या होगा जी, करेक्ट ऑप्शन। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसके सारे एमसीक्यूज वो वाले एमसीक्यूज हो गए जो बुक वाले, अगर आपने ये भी तैयार कर लिए तो इंशाल्लाह आपके 8 से लेकर 9-10 एमसीक्यूज आपके ठीक लग सकते हैं। अब बाकी अपनी चीज़ें क्या करनी है जी डियर स्टूडेंट्स, वो भी आपको थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ। तो देखें अब यहाँ से जो आपने पढ़े हैं ये सारे एमसीक्यूज वही हैं, ठीक है, अब ये वाला जो एमसीक्यूज है वो दरमियान से पूछ लिया है उसने, तो बाकी जो तकरीबन एमसीक्यूज हैं आपके पास वो बुक में से ही पूछ रहा है, ठीक हो गया। अब देखिए 12 एमसीक्यूज ये उसने दरमियान से कहीं से पूछा है, तो उसके बाद बाकी जो है वो तकरीबन वही है, ठीक है। नैंड गेट की आउटपुट 0 हो गई, ये वही से आया है। डीसी मोटर का कौन सा हिस्सा आधे साइकिल के बाद, ठीक है, तो ये भी एक्सरसाइज में से आया है। इफ वी बात द करंट एंड डबल आई थिंक ये भी वहाँ से ही आया, अभी हमने पढ़ा है। तो उसके बाद और कौन से ऑप्शन है जी, और भी देख लेते हैं, सातवां ऑप्शन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नेवर क्रॉस, जो ये भी अभी पढ़ा है हमने। इमेज फॉर्म बाय कैमरा ये भी अभी पढ़ा है। पावर लेंस ऑफ रेसिप्रोकल, तो ये एमसीक्यू जो है वो आपने बुक से देख लेने हैं, यानी कि आपने फार्मूले जो हैं वो थोड़े बहुत देख लेने हैं। काबिल समाज साउंड की जो है ये भी फोर्थ है, ये भी हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है। मुंजैल में कौन सी वेव सी दूसरे पर मुनसर नहीं होती, ये भी पढ़ा है जी हमने। दरजैल में रेडिएशन किसकी पेंटरिंग पावर ज़्यादा, अभी हमने गामा रेज पढ़ी है जी।
कौन सा अमल प्रोसेसिंग नहीं है, तो जी हिसाब तय करना जी अभी हमने पढ़ा है जी, ठीक है रिलेटिव। तो ये तकरीबन मोस्टली एमसीक्यूज वहीं से आ जाते हैं। अच्छा, तो एक और पेपर की हम थोड़ी सी नज़र दुरा लेते हैं, वहाँ से क्या चीज़ें बनती हैं जी। तो वहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब देखें मैं आपको, हाँ हवा का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स डियर स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 2 में एक टेबल दिया होगा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का, तो उसके गौर से आपने पढ़ लेना है, उसको सही से पढ़ लेना है। बाकी डियर स्टूडेंट्स देखें ये सारा वही है, तकरीबन वही एमसीक्यूज आ रहे हैं। देखें मोस्टली इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है जी, ये एक याद कर लेना। इलेक्ट्रिक पावर मतलब ये यूनिट वगैरह थोड़ी सी आपने बुक के अंदर से याद कर लिया। और एक और चीज़ होती है हाफ लाइफ, वो भी आपने दरमियान से याद करनी। फिर ये एक किलो बाइट्स होता है, तो ये 1000 बाइट्स के बराबर होता है, 1024 बाइट्स। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने गौर से देखनी है। लास्ट चैप्टर में हाफ लाइफ वाला है, वो मोस्टली पूछे जाते हैं एमसीक्यूज उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक और, आपके पास देखें 1 किलोवाट आवर होता है, इस तरह ये एमसीक्यूज आपकी बुक में से बना है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो आपने कर लेनी है। उसके बाद जी होता है जी साउंड की इंडस्ट्री का यूनिट, ये आपने याद कर लेना है ऐसे यूनिट्स वगैरह। कार्बन की हाफ लाइफ सालों में देखें 57-30 होती है, तो ये आप अलग कर लें। बाकी तो तकरीबन वही एमसीक्यूज, मतलब 2-3 एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जो आपके केदर से होंगे, आपके बुक के दरमियान से होंगे, और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूले वगैरह यूनिट सही से याद रखें, इंशाल्लाह आपके वो भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छे पेपर करके आएंगे। बाकी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का गैस भी इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी हम आपके लिए दुआ भी करेंगे कि इंशाल्लाह आपके पेपर अच्छे हों, पहले भी अच्छे हुए होंगे उम्मीद है, और अभी भी इसके बाद जो रहते हैं पेपर इंशाल्लाह वो भी आपके बहुत अच्छे से होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।